हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आमी एच एस सेकेंड इयरर बायोलॉजी चैप्टर नम्बर टू अलरेडी स्टार्ट करिसु। आज तार फोर्थ नम्बर क्लास। सो जदि कोनोबा स्टूडेंटे मोर वीडियोसबो आज प्रथम बार कारणे साइसा देन चैनल तो सब्सक्राइब कर लबा सो देट मोर अपकमिंग वीडियोसर नोटिफिकेशन्सबो तोमालके लगालग पा। आज क्लास आमी साम जननकोष गठन बा गेमेटोजेनेसिसर विषय। इतना जननकोष दुई प्रकार, पुंग जननकोष आरु स्त्री जननकोष। दुईटा बस्तु पढ़िबले आमाक दुटा क्लासर प्रयोजन। आज आमी पुंग जननकोष बा मेल गेमेटर ऊपर फोकास करिम। ओके स्टूडेंट्स, सो तुम्हारे चाय जबा पराक्रेणुर भर सृष्टि हुआ जननक्षम कोष केन्द्र और नलिका बा दैहिक कोष केन्द्र मजत एखन बेर सृष्टि हुई कोष केन्द्र दूटा पृथक हो थके। तुम लोग जानवे फिगर नम्बर एट मन करा। फिगर नम्बर एट एट पराग्रेणु देखा। पराग्रेणुत आम जानू आगर क्लास पढ़ी तक दुखन बेर थके। बाहर बेरखर नाम बहिष्ट, भरखर नाम अंतस्तक। और इहतर भर पराग्रेणुटर भर दूटे कोष केन्द्र थके। जननक्षम कोष केन्द्र और एट नलिका बा दैहिक कोष केन्द्र। ठीक है, और प्रथम अवस्था कि है एक दूटा कोष केन्द्र मजद बेर थके। एने अवस्था पराग्रेणु आही गर्भमुंडर ऊपर पड़े और तार पिसर परा पुंजनन कोषर विकास आरम्भ है। सो ए दुटा कोष केन्द्र जेतिया बेर एखनरे सेपरेटेड होय थाके हेतु स्टेजते पराग्रेणुटो आही गर्भमुंडर ऊपर पड़िबो और तार पिसर पराय पुंजनन कोषर विकास प्रक्रियाटो आरम्भ है। एटा फिगर नम्बर बी तुमालके स्वासन। एतु होइसे एटा अंकुरण होबोलगिया पराग्रेणु। इते कि देखा गई है अंकुरण रंध्र देखा गई है अंकुरण रंध्र इतने बहुत कटा आस जिको एट फोकास तारे नेक्स्ट स्टेप आम पोर्शनखिन कथा मन कर लगे। गर्भमुंडर ऊपर पराग्रेणु अंकुरित है। गर्भमुंडर ऊपर जो पराग्रेणुट पड़े तार पिछत पराग्रेणुट लाख लाख अंकुरित हमें आरम्भ कर। अंकुरण समय कोष केन्द्र दूटा पृथक कर रखा बेर तो नोहवा है। ये पिक्चर तो तुम लोग चाचन अंकुरण रंध्रटो ये देखा तार ऊपर चुना इहतर मजदा इतने गर्भमुंडत पड़े ये दूटा कोष केन्द्र मजद जी बेर आर ला ला नायकिया हो जा। बहिष्टक थका रंध्र एटाई अंतस्तक तो नली हिसापे ऊल्ह है। बहुत कटा रंध्र आसे है तारे जिको एट रंध्रेदी बहि मानने अंतस्तक तो ऊल्ह नली हिसापे ऊल्ह। ओके, एटा नलिका हिसापे ऊल्ह। तार नेक्स्ट स्टेप्सबूर चाँव एक नलियेद रेणुत थका कोष प्ररखिनी और प्रथम नलिका कोष केन्द्र और पिसे पिसे जननक्षम कोष केन्द्र तो नलित ऊल्। यह नलीट कि पराग्रेणुटर कोष प्ररखिनी थकते प्रथम दैहिक बा नलिका कोष केन्द्र तो थको और तार पिसे पिसे जननक्षम कोष तो ऊल्। नली गर्भदंडेद आगवाढ़ी जोगे नलर भरेद कोष केन्द्र दूटाओ आगवाढ़ी जाए। इतना यह नली तो कार मजेरे पार हम ये नली तो गर्भदंडय मजेरे पार हम आगवाढ़ी जा। नली तो आगवाढ़ारे यह दूटा कोष केन्द्रों आगवाढ़ी जा। नलिका बा दैहिक कोष केन्द्र गर्भाशयर ऊर पार आगते ही जननक्षम कोष केन्द्र तो दूटा भगत भाग है। इतना यह नलिका तो मानने गर्भाशय पार आगते कि हम इंटर जी जननक्षम कोष आननक्षम कोष केन्द्र तो दूटा भगत भाग हम। ठीक है, ये विभक्त कोष केन्द्र दूटा अवशेष दूटा पुंग जननकोष रूपे प्रजनन भाग लय। जननक्षम कोष तो दूटा भगत विभाजन हो पे कि दूटा पुंग जननकोष दु। ठीक है, और ये स्टेप तो क्या हम ये नलिका तो गर्भाशय पार आगते और दैहिक कोष केन्द्र तो कि हम दैहिक नलिका कोष केन्द्र तो शेष नष्ट हो जा। ठीक है, इतना पराग्रेणुर परा जननकोष गठन हुआ कार्यक पुंग जननकोष गठन बा इंग्राजीत मेल गेमेटोजेनेसिस हुआ बोले। ठीक है, आई होप तुम लोग क्लियर से पुंग जननकोष गठन खुबे सिंपल इजी बट बहुत इम्पर्टेन्ट परीक्षा तुम लोग प्राय सी थके। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्लास आम चम स्त्री जननकोषर गठन विषय। थैंक यू वेरी मच।